थोड़ा सा उसमें से मेरे ख्याल से पेच वगैरह निकल गई, तो इसलिए डीकैथलॉन चलते हैं पहले। तो भाई वेट कर रहे हैं हम डीकैथलॉन ओपन होने का, और टाइम देख लो 10:45 हो गए हैं। गुड़गांव में हो जाएगी ये, मैंने पहले ही बोला था भाई को अगर यहाँ पे नहीं हो पाएगी, मुझे पता है क्योंकि आप पहले से कानून देख बताते हैं। आप मुझे ये बताओ 10 उसमें वोल्ट लगे हुए हैं, 10 में से 1 वोल्ट में रस्टिंग है, 1 वोल्ट मैंने पानी में रखी अलग से, मिसयूज। अब खुद बताइए कि अगर 2 महीने में मिसयूज कर रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ आप मिसयूज बोल रहे हैं। भाई इनमें से ना एक चेयर थी डीकैथलॉन की, जो कि थोड़ा सा उसमें से मेरे ख्याल से पेच वगैरह निकल गया, ये वाली नहीं है, उसको एक्सचेंज करने की सोच रहे हैं हम, तो इसलिए डीकैथलॉन चलते हैं पहले। इनकी ना ये वारंटी क्लेम करते हैं 2 साल की, हर एक चीज की वारंटी होती है, किसी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो। अच्छा ये होगी बैंड, यहाँ से देखो बैंड भी होगी है। हाँ ये बैंड होगी है, तो इसको देखते हैं इनकी 2 साल की वारंटी जो क्लेम करते हैं वो है एक्चुअल में है या नहीं है। हाँ या वैसे मतलब टेस्ट भी हो जाएगा डीकैथलॉन का। हाँ पता चल जाएगी। गेट ओपन होते ही ऐसी आवाज आई, साइन लगा रखे उन्होंने। तो भाई वेट कर रहे हैं हम डीकैथलॉन ओपन होने का, और टाइम देख लो 10:45 हो गए, 11 बजे का टाइम है, इंतजार कर रहे हैं। वेटेज की प्रॉब्लम नहीं होती ना, हम किस चीज की नहीं होती, बेंडिंग की कैसे ले सकते हो किसी चीज की वारंटी, किस चीज की वारंटी है फिर, किस चीज की वारंटी पहले बताओ आपको, किस चीज की वारंटी बताइए। नहीं आप मेरे को ये बताओ किस चीज की प्रोवाइड करते हैं, फंक्शनिंग की वारंटी, आप क्या फंक्शनिंग, ये आपकी चलना फिरना बंद हो रही है, नहीं चल पा नहीं चल रही ना, देखो ये चल नहीं रही, देखो फिजिकल डैमेज है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। सर एक बात बताओ इसमें मशीन तो है नहीं, फंक्शनिंग क्या होती है, यहीं पे है ये जो आप बता रहे हो ना, ये प्रॉब्लम यहीं पे है, गुड़गांव में है डीकैथलॉन, सर उस पे जाते हैं जो भी प्रॉब्लम होती है ना वहाँ सॉर्ट आउट कर देते हैं, ठीक है ये आप ना पहले से ही वो बना लेते हो। मैं जब भी यहाँ पे अगर किसी को ये प्रोडक्ट बता रहा हूँ तो मैं सिंपल यही बात, आप ये कह रहे हो इस चीज की वारंटी, इस चीज की वारंटी नहीं, इसकी वारंटी नहीं है, और ये जो बैंड होगी उसकी वारंटी, और जो ये रस्टिंग हो रही है इसमें इसकी वारंटी नहीं। सर रस्टिंग कैसे होगी जब हम केयर नहीं करेंगे, नहीं नहीं रस्टिंग अपने आप होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे इस चीज, ये सारी 5-6 चीजें जो इसमें नहीं, 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 नहीं इसकी किसी की वारंटी, अगर ये कहीं भी अगर नहीं, अगर ये कहीं भी एक्सचेंज हो जाता है तो आप इसकी गारंटी लोगे। सर वो मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे अपने कस्टमर को ये नहीं बताता हूँ कि आपको इन सब की वारंटी, आपका कोई पर्सनल कस्टमर है, डीकैथलॉन का कस्टमर है, डीकैथलॉन का कस्टमर, फिर मैं ये कह रहा हूँ दूसरी जगह एक्सचेंज हो जाती है तो सर मुझे नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि वो किसके, मुझे नहीं पता कि उनको क्या सिखाया गया, डीकैथलॉन के एम्प्लॉई जी 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 तो आपके यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, फिजिकल डैमेज है, वेरी गुड निकला, हाँ कोई इशू नहीं है, और ये अगर निकला नहीं आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं जा रही तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं ना फिर दूसरी गुड़गांव में, देखो अभी भी सर ये फिजिकल डैमेज हुआ अपने आप तो निकलेगा नहीं, आप बताइए तो कैसे निकला, बैंड दो चेयर एक साथ ली थी हमने, एक चेयर बिल्कुल सही है और एक चेयर खराब है, आप उसमें देखो बिल, दो चेयर हमने एक साथ ली थी, दोनों को बदलते ना, हाँ ये दोनों को देखा, आप देख लो उसमें चेक कर, अगर ये बैंड हुई है सर तो ये एक्स्ट्रा वेट इस पे डालने से, ये इसका 90 केजी का वेट है। एक बात बताओ आप टेक्निकल थोड़ा बहुत जानते हो, एक्स्ट्रा वेट डालने से ना ये निकलता नहीं है कभी भी, एक्स्ट्रा वेट डालने से कभी निकलता नहीं है, ये घटिया कंडीशन होती है ना, क्वालिटी घटिया होती है ये जब निकलता है, जब क्वालिटी थर्ड क्लास होती है जब निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता। एक्चुअली हम ओवर लैंडिंग करते हैं रेगुलर, ठीक है, तो यूज करते हैं डीकैथलॉन का सामान, वो चेयर रिटर्न कर लिया, अब यहाँ फरीदाबाद में हमेशा इशू आता, कभी भी कोई चीज लिया उसी चीज के लिए कोई ना कोई आर्गुमेंट, हाँ मैं यही चेयर गुड़गांव में हो जाएगी, मैंने पहले ही बोला था भाई को यहाँ पे नहीं हो पाएगी, मुझे पता है क्योंकि आप पहले से कानून बताते हैं, गुड़गांव में हो जाएगी, आपको बता रहा हूँ लिख के दे रहा हूँ गुड़गांव, आप जो कर रहे हो ना कस्टमर नहीं देते, वारंटी किस चीज की देते हो आप ये बताओ यार, फंक्शनिंग कहाँ हो रही है, मशीन थोड़ी इसके अंदर क्या फंक्शनिंग होगी, बंद नहीं हो रही है, घर में यूज मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन रस्टिंग 2 महीने में नहीं होती थी, मिसयूज अब खुद बताइए कि अगर 2 महीने में मिसयूज कर रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ आप मिसयूज बोल रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, बताइए कि आप 2 महीने में कर लेंगे यार, भाई को किसी चेयर का हाथ हो गया, खरीदिए बंदे ने बैठने के लिए खरीदिए, कहीं जाके बैठेगा, आप कह रहे हो तो बैंड हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो छोड़ो यार आपसे ज्यादा आर्गुमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं, इसको वहीं एक्सचेंज कर लेंगे, वो ठीक है और इसको ना एक्सचेंज कर लेंगे, और जो आप दे रहे हो ना मैं इसकी मेल भी करूंगा, और मिसयूज आप जो बोल रहे हो ना वर्ड ऑन रिकॉर्ड है, हम चेयर को मिसयूज करते हैं, कस्टमर मिसयूज नहीं करता चेयर को, वो यूज होती है उस तरीके से, ओवरलैंडिंग में कहीं भी चले जाओ पहाड़ों पे तो हर सिचुएशन होती है, बारिश भी होती है स्नो भी होती है सब तरीके की सिचुएशन होती है, तुम्हें आज तक ना यहाँ पे कोई चीज एक्सचेंज हुई नहीं, क्योंकि आप कानून इतने बता देते हो उस चीज में, आप मुझे पॉलिसी दिखाओ।
एक्सचेंज पॉलिसी दिखा दो एक बार कहाँ पे है, चेयर की एक्सचेंज पॉलिसी दिखाओ कान की, क्या क्या कवर है क्या क्या नहीं। डीकैथलॉन का सामान इसलिए लेते हैं कि थोड़ा सेटिस्फाइड होते हैं कस्टमर्स, बट इस तरीके का अगर तुम करोगे दो साल की वारंटी लिख के दे रहे हो आप, कोई फायदा नहीं है डीकैथलॉन लेने का। सुनते हो नहीं कस्टमर की सर, उस पे एक वेट लिमिट तो ये मैन्युफैक्चरिंग इशू तो है भाई, वो निकल लिया उसका बोल्ट निकला है, अरे वो रस्टिंग हो रही है भाई, सारे बोल्ट पे रस्टिंग नहीं है, एक बोल्ट पे रस्टिंग है, इसका मतलब क्या है, एक बोल्ट हमने पानी में रखा है। वो तो बिल्कुल फनी, मैनेजर को बुलाओ मेरी बात करो मैनेजर से, आप मैनेजर हो ना, तो आप ये बताओ मुझे उसमें 10 वोल्ट लगे हुए हैं, एक वोल्ट पे रस्टिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग वो डिफेक्ट नहीं है। इस मोमेंट में आपको एक ही चीज बोल सकता हूँ कि ही इज अ ट्रेन्ड माउंटेनियर। आप मैनेजर हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, आप मैनेजर हो, यू आर द मैनेजर हियर, आई एम द कस्टमर, आई एम टॉकिंग वन ऑन वन टू यू, ही हैज द टेक्निकल नॉलेज रिगार्डिंग दिस एंड इफ ही इज सेइंग, नहीं सर आप उसके सुपीरियर हो ना सर, ऑल आर टीममेट, हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं चलता, तो अभी सुपीरियर से बात कर रहा हूँ, एक हायरार्की होती है। आप मुझे ये बताओ 10 उसमें वोल्ट लगे हुए हैं, 10 में से एक वोल्ट में रस्टिंग है, एक वोल्ट मैंने पानी में रख दिया अलग से, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, आप मुझे ये बोल दो ऑन रिकॉर्ड, आप ये कह दो भाई 10 में से एक वोल्ट में रस्ट आया है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, सारे वोल्ट चेक करो आप सारे सही है, एक में रस्ट आया और जो निकला है ना वो भी रस्ट की वजह से निकला है, हमने एक सिंगल बोल्ट पानी में रख दिया या मैंने पानी में से निकाल के इसमें लगा दिया, ये बताइए ये टूटा है यहाँ से, ये वाले दो टूटे हैं, क्यों टूटे हैं, क्योंकि उस पे भी रस्टिंग आई है, इस पे रस्टिंग नहीं आई, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में नहीं आएगा, रस्टिंग होगी कैसे, आप मुझे रस्टिंग किस पे बोला, मैं ये कह रहा हूं इस पे रस्टिंग नहीं है, आपको ये बता दो आपको वहां पे गुड बाय क्या वारंटी बताई, कहां पे जहां से आपने ये ली थी वहां पे क्या वारंटी बताई, मैं पूछ रहा हूं अभी आपके मैनेजर ने बोला है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कवर होता है, एक बोल्ट पे रस्टिंग नहीं है, एक बोल्ट पे रस्टिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या नहीं है, हाँ, ये नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक बोल्ट निकाल के मैंने पानी में रख दिया, आप ये बताइए आपको क्या वारंटी बताई गई, आपको कुछ तो बताया होगा, तो वो तो बता, ये पता क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि यहाँ पे ना यही चीज इस तरह से कस्टमर हैंडलिंग होती है, आप मतलब उस चीज को आपने वर्ड्स पर्सनल है, मिसयूज बोल रहे हो आप सर, एक तो चीज पहले तो ये फिजिकल डैमेज है, ऊपर से आपका बेंड हो रखा है तो ऑब्वियसली बात है सेक्स टॉलरेट हो, ये जो यहाँ से बेंड हुई पड़ी है ये कैसे बेंड होगी, और वो वाली चेयर बेंड नहीं, वो बेंड नहीं है, वो बिल्कुल सही है चेयर, दोनों एक साथ ली है, Yard is more than the maximum load. Excessive दिखाओ दिखाओ quality, sorry, quality इसकी क्या है, दिखाओ एक मिनट सर, please. Excessive use of knob is any man-made or induced physical damage. हाँ इसकी quality कैसे आप वो करोगे? इसमें warranty में लिखा हुआ है 2-year warranty on quality of the material. अब ये देख लो भाई, clear इसमें लिखा हुआ है quality of the material लिखा हुआ है. हाँ quality. इसकी quality देख लो भाई, rusting हो रही है इसमें. ये क्वालिटी इशू नहीं है, ये काउंट नहीं होता आपकी क्वालिटी में, ये बता दो बस आप, क्योंकि हमारे यहाँ है ना अभी तक हमने कोई प्रोडक्ट रिटर्न नहीं, नहीं करते सर, नहीं करते, आप ये लिखा हुआ है ना क्वालिटी, उसको बुलाओ ना आप एक मिनट उनको बुलाओ जो अभी यहाँ पे हैं, जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनको बुलाओ, क्वालिटी का मतलब बता दो मुझे क्या होता है, क्वालिटी का मतलब उनको बुलाओ, यहाँ पे वारंटी में लिखा हुआ है भाई, मैं चेयर देके जाऊंगा अभी यहाँ पे, क्वालिटी लिखा हुआ है वारंटी में, ओवरवेट से तो रस्टिंग नहीं होगी, ओवरवेट से रस्टिंग नहीं होगी, ओवरवेट से निकलती भी नहीं है वो, बाहर नहीं निकलती, ओवरवेट से बैंड का चलो ये कह रहे ओवरवेट, ठीक है मैं कह रहा हूँ ओवरवेट से रस्टिंग नहीं होगी, और रस्टिंग इज अ क्वालिटी इशू, आप बुलाओ उसको ऑन रिकॉर्ड, आप ही कह दो क्वालिटी इशू नहीं है, अब ये रस्टिंग जो हो रही है क्वालिटी ऑफ द मटेरियल है नहीं, रस्टिंग आपके यूज पे रहता है, रस्टिंग पहले पड़ी है, रस्टिंग यूज पे कैसे, मतलब क्या यूज किया, मैं मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम सिविल इंजीनियर, हां यू आर सिविल इंजीनियर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, आप मुझे बताओ रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग पे ही नहीं होती सर हमारी वारंटी, रस्टिंग इज अ क्वालिटी इशू, मटेरियल होता है हम नहीं करते, रस्ट प्रूफ मटेरियल होता है, आपकी और बोल्ट में नहीं हो रही है, इसका मटेरियल इशू है सर, हम नहीं करते रस्टिंग पे, इसकी वारंटी का कंसीडर मैं आपको पहले बता चुका हूं भाई, एक बार सुन लो, इसकी फंक्शनिंग पे रस्टिंग क्वालिटी इशू नहीं है इन टर्म्स ऑफ डीकैथलॉन, जी सर, और डीकैथलॉन अपने खुद के टर्म्स कंडीशन है जिसपे रिटर्न करता है, अदरवाइज नहीं करता, एक बोल्ट पे रस्टिंग है, हाँ। बाकी सब पे रस्टिंग नहीं है, और वो क्वालिटी मटेरियल इशू नहीं है भाई, जितने भी लोग टेक्निकल होंगे उनको पता होगा कि यार रस्टिंग क्वालिटी इशू है या नहीं है, नो रिटर्न पॉलिसी इनके पास, डीकैथलॉन ने तो यार पता हद ही कर दी भाई, सारी चीज ऊपर से लेके नीचे तक डीकैथलॉन पहना हुआ है मैंने, सॉक्स भी निकाल के दिखाऊंगा डीकैथलॉन के है भाई, मैंने ये दो चीजें ले ली, एक तो मैंने लोअर ले लिया अपनी, ये मेरी पहले खराब हो गई थी आर्मी वाली, और एक ली है ब्लैक टी शर्ट, दोनों ले लेंगे, दो ले लेंगे ब्लैक टी शर्ट, इनको प्रिंट करवा लेंगे पाठक ब्लॉक्स में, तो भाई हम सोच रहे हैं ये बॉल ले लें, बट हमें थोड़ी कंफ्यूजन ये हो रही है कि इसकी फंक्शनिंग अगर खराब होगी तो ये रिटर्न, फंक्शनल वारंटी है, फंक्शनल क्या होगी, मतलब टप्पा खाना बंद कर दे, है दीपक आर बीइंग वेरी टेक्निकल नाउ, तो ये शिवी के लिए लेने की सोच रहे हैं, पिंक के लिए लेते हैं, वो पिंक कलर चाहिए उसे,
अच्छा तो हम लोग वारंटी में क्लेम करते हैं। अच्छा बस हवा निकलने की ना, बस यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे पता चलेगा यहाँ से लीक हुआ है? सर आप उसमें वाटर डालेंगे तो हवा नहीं रुकेगी ना? हवा आप चेक करोगे भर के? अच्छा ठीक है, एक्सटर्नल डैमेज उसका वारंटी। ओके, और इसमें सर कपड़ों में? इसके लिए सर स्विचिंग का आता है, कलर फेडिंग, स्टिचिंग और जिप। कलर फेडिंग है ना, तीनों की है ना? कलर फेडिंग, स्टिचिंग, जिप, तीनों की वारंटी है ना? बट उसके साथ साथ यूज भी होता है सर, कि आप कैसे यूज कर रहे हो इसको। ये जैसे आप फॉर एग्जांपल इसको पहन के डेली यूज में घूम रहे हैं, इसके पर्पस के लिए आपको कैसे पता डिसाइड करोगे कि हम कस्टमर पहन रहे हैं नहीं? कैसे यदि बहुत बड़ी कंफ्यूजन है रिटर्न पॉलिसी में, बंदे को देख के करोगे डिसाइड की वो डेली पहन रही है? नॉर्मल सी चीज है, कस्टमर जानना चाहता है कि हाँ, और यूज भी किया है, दो साल बहुत सही चल रही है, कोई इशू नहीं है। जब दोबारा ले गए, दोबारा ले गए, अभी आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, अगर मान लो कलर फेड हो गया, वो आप कैसे डिसाइड करोगे कि हमने कैसे यूज किया? कस्टमर का कैसे डिसाइड करोगे? आप कैसे डिसाइड करोगे? टू बी ऑनेस्ट, वी ट्रस्ट यू, वी विल आस्क यू, ठीक है, आपने यूज कैसे किया, उसके हिसाब से ट्रस्ट बेसिस पे हो जाएगा ना? हम लोग आपसे पूछेंगे, आप नहीं, मतलब कस्टमर के ट्रस्ट बेसिस पे हो जाएगा ना रिटर्न? चलो कर दो बिल, ये भी इनका भी सेम है ना कलर फेडिंग का? हाँ हर कपड़े का होगा वो तो। चलो कोई नहीं, इसी का कलर फेड होगा यार, इसका हुआ था पहले। नहीं नहीं, ब्लैक का भी वो तो कह रहे हैं ना, कलर फेड वगैरह भी इसमें काउंट करेंगे। चल कोई नहीं, छोड़, मतलब सारी चीज ना आपकी रिटर्न पॉलिसी में इतना बड़ा झोल है ना। अरे वो यहीं पे ही है भाई, गुड़गांव में नहीं है वो, यहीं पे ही है, इसी स्टोर में है बस। आप मेरे को अपनी मेल आईडी दो, ऑफिशियल हम आपको मेल करेंगे, जब वहाँ पे रिटर्न हो जाएगी हम आपको मेल करेंगे। कौन सा ये है? ये अभिषेक आप हो? सर अभिषेक, ही इज द स्टोर मैनेजर, सीनियर स्टोर मैनेजर, ही इज नॉट हियर राइट नाउ। एक बार इसमें ले ले ऑन रिकॉर्ड, इनको अभिषेक कुमार डॉट सिंह। भाई आपने देख लिया क्या बिहेवियर है जो कि डिकैथलॉन स्टोर है फैदाद वाला, मतलब किसी भी चीज को ले आओ आप यहाँ पे, कुछ भी रिटर्न नहीं होता यहाँ पे, और यही हाल रहता है। हमें पहले कंफर्म था, इसलिए हम पहले बोल के चले गए ना कि भाई ये रिटर्न नहीं करेंगे, हमसे टेस्ट करने के लिए गए थे कि ये करते हैं नहीं करते हैं। देखो आपको फंक्शनिंग प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसमें फंक्शनिंग क्या है, ना तो वो ओपन हो रही है चेयर, ना वो लग रही है, वो निकल चुका है, कहीं पे रस्टिंग हो रही है, क्वालिटी इशू है। आपको हमने पूरी गाइडलाइन भी बता दी कि रिटर्न पॉलिसी की क्या गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन उन्होंने दिखाई है, वो गाइडलाइन जो। तो भाई ये हाल है, मोनोपोली हो चुकी है एक्चुअली ना, मोनोपोली हो चुकी है। तो मोनोपोली में क्या होता है ना कि अभी इनके कॉम्पिटिशन में कोई नहीं है, तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन में जब कोई आएगा तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। इंडिया में आके अब मोनोपोली हो चुकी है डिकैथलॉन की, तो भाई यही हाल होता है। मैं बता रहा हूँ, ये पूरे ना डिकैथलॉन को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हुआ ना, एक दो बार हमने देखा है गुड़गांव में हमारी चीजें एक्सचेंज हुई है। हाँ गुड़गांव में हो जाती है, जो यहाँ नहीं हुई। हाँ जो यहाँ पे नहीं होती वो गुड़गांव में हो जाती है। पर मतलब हो सकता है कि स्टोर की कुछ हो इंटरनल अपनी, की भाई कई बार हो जाता है स्टोर हेड ये गाइडलाइन दे देगी भाई कुछ चीज रिटर्न ही नहीं करनी है, तो मतलब उस तरीके को लेकर बहाने ढूंढते हैं भाई कि रिटर्न नहीं करनी पड़े हमें ये चीज। तो ये है मैटर, बाकी क्या है कि इसको देखेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो गुड़गांव ट्राई करेंगे, वरना ये यहाँ पे देख लो भाई 3 महीने हुए थे इसको लिए हुआ, 3 महीने के अंदर वो चेयर टूट गई है, और जबकि 2 चेयर ली थी, दूसरी बिल्कुल सही है, एक चेयर टूट गई है भाई, रस्टिंग हो गई है, बैंड हो गई है, सारे काम हो गए हैं, और मेजर इशू है, मेजर है, और 3 महीने के अंदर खत्म हो गई यार। 2 साल की वारंटी हुई, 1 साल तो चलती भाई, 6 महीने तो चलती। चलो जी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, आपको पता चल ही गया होगा, फैदाद वाले स्टोर को भाई अवॉइड कर देना, हमारे सब्सक्राइबर्स अगर देख रहे हो ना, नहीं तो आप भी हमारी तरह प्रॉब्लम में फंस जाओगे। लेना है तो गुड़गांव से ले लो, नहीं तो ऑनलाइन मंगा लो, ऑनलाइन बेस्ट है। ऑनलाइन अगर आप सामान मंगाओगे तो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट ये आपका रिटर्न कर लेते हैं, तो हमारा तो प्रेफर हम वही करते हैं। हमने ये 2 चेयर मंगवाई हैं बस ऑनलाइन, है ना, ये 2 चेयर ही ऑफलाइन ली थी हमने, अदरवाइज हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो ऑनलाइन ही प्रेफर करो कभी भी डिकैथलॉन सामान मंगवाते हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।